गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमें आज से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है ना, तो हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी का वर्ड मीनिंग मालूम है सभी को, पॉसिबिलिटी और चांस, है ना, पॉसिबिलिटी और चांस। और इसमें हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी में, ये मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी माने अनिश्चितता, उसको हम मैथमेटिकल मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का वर्ड मीनिंग पॉसिबिलिटी और चांस। तो हम सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, और फर्स्ट टर्म है एक्सपेरिमेंट, उसके बाद है रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। तो पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है बताएगा कोई, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट अ प्रोसेस विच हैज डेफिनेट आउटकम, अ प्रोसेस प्रोसेस विच हैज डेफिनेट आउटकम, जिसका जो रिजल्ट है वो डेफिनेट हो, फिक्स हो पहले से। मतलब फिक्स का मतलब, डेफिनेट का मतलब, जैसे कि हम सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करते हैं, तो हमें मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस रेंज में आएगा, 9.67 से 10 के अंदर आएगा, है ना। सो आउटकम क्या है उसका, डेफिनेट। अब नेक्स्ट टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट हैविंग हुज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर नॉन बट हैपनिंग आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, एन एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट In which total number of outcomes are known, but happening outcome cannot be predicted. बात समझ में आ गई क्या, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये बात समझ में आई क्या सभी को, एन एक्सपेरिमेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर नोन बट हैपनिंग आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा ये तो मालूम है कि टोटल आउटकम कौन कौन से आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स आर नॉट, इन विच पॉसिबल या टोटल आउटकम्स, है ना, दोनों का एक ही मतलब है, पॉसिबल वर्ड और ऐड कर रहा हूँ, इन विच पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स आर नॉन बट हैपनिंग आउटकम, पहले से हम कन्फर्मली नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। तो टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, throwing a dice is also a random experiment. उसमें 1-6 में से कुछ भी आ सकता, 1-5-6, right? उसके बाद drawing a card from a well shuffled pack of 52 playing cards. 52 playing card में से एक card निकालना, वो भी क्या है, random experiment. एक bag में कुछ different colors की balls हैं, तो bag में से एक ball निकालना, वो भी क्या है, random experiment.
बात समझ में आ गई क्या सभी को? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर। अब हम बात करेंगे सैंपल स्पेस, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट के हम एग्जांपल लिखें कुछ। पहला एग्जांपल हम लिख देते हैं टॉसिंग अ कॉइन। सेकंड एग्जांपल थ्रोइंग अ डाइस। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, है ना। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट टर्म है जो हमारी, वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इतना ही लिख देता हूं, है ना। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट्स कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, अगर हमने एक कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? ओके, तो नोट कर लिया, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आना पड़ेगा। सर ये रीतेश के नाम से कोई और है क्लास में? हम्म, सर कोई फेक है सर इसमें? ठीक है, मैं देखता हूँ। टॉसिंग टू कॉइंस, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? एक हेड, पहला हेड, फर्स्ट कॉइन पर हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए, हेड टेल आए या टेल हेड हो या दोनों टेल, ठीक है। टॉसिंग थ्री कॉइंस, तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट क्या आ सकते हैं? तीनों हेड हो या दो हेड और एक टेल हो, तो अभी अरेंज होंगे, पहला हेड है, दूसरा हेड है, तीसरा टेल, पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड, पहला टेल, बाकी दोनों हेड, दो टेल और एक हेड, टीएचटी HTT और तीनों टेल। समझ में आए क्या सभी को? अगर थ्री कॉइंस कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में एट एलिमेंट्स होंगे। थ्रोइंग अ डाइस, सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है? वन टू थ्री, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। टू डाइस में throwing two dice, तो क्या आ जाएगा सैंपल स्पेस में? वन वन, वन टू, इस तरह से वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, सिक्स वन, सॉरी टू वन, टू टू, इसी तरह से टू सिक्स, फिर थ्री वन, फोर वन, फाइव वन, सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स सिक्स, ठीक है। तो 36 एलिमेंट्स होंगे। तो सैंपल स्पेस सभी को समझ में आया क्या? अब हम बात कर रहे हैं सैंपल एलिमेंट, सैंपल पॉइंट बोले, सैंपल पॉइंट। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसी को हम क्या बोल देते हैं? सैंपल पॉइंट, ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं इवेंट की, व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालते हैं, इवेंट की। इवेंट क्या होता है, जो इवेंट को ई से डिनोट करें तो इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट होती है। इवेंट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ, ये सैंपल स्पेस है पूरा, तो इसके अंदर कोई भी इवेंट हो सकती है। इवेंट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इज इट क्लियर? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ओके। अगर अब हम इवेंट को क्लासिफाई करें, सिंपल इवेंट और मिक्स्ड और कंपाउंड इवेंट, मिक्स्ड और कंपाउंड इवेंट। हाँ, सिंपल इवेंट किसको बोलते हैं आप? इफ एन इवेंट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सिंपल स्पेस, इफ इवेंट कंटेनिंग वन एलिमेंट ऑफ सिंपल स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट। इफ टॉसिंग अ कॉइन कमिंग हेड इज अ सिंपल स्पेस, सॉरी, इफ टॉसिंग अ कॉइन कमिंग हेड इज अ सिंपल इवेंट, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन कमिंग हेड और टेल इज अ कंपाउंड इवेंट, है ना। तो लिखते हैं डेफिनेशन, इवेंट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, समझ में आया क्या सबको यहां तक? सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट समझ में आ गया क्या? सिंपल इवेंट में सैंपल स्पेस का एक ही एलिमेंट होता है और कंपाउंड इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस के। समझ में आ गया कि सभी को? यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सभी ने, है ना। तो हम देख चुके हैं अभी तक एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, हाँ बताया ना मैंने, सिंपल इवेंट का एग्जांपल और मिक्स्ड इवेंट दोनों के एग्जांपल बताए। इफ वी टॉस अ कॉइन देन कमिंग हेड इज अ सिंपल इवेंट, कमिंग टेल इज आल्सो अ सिंपल इवेंट, मिक्स्ड इवेंट कमिंग हेड और टेल इज अ कंपाउंड इवेंट, क्योंकि इसमें सिंपल स्पेस के दो पॉइंट आ गए। जैसे टॉसिंग अ कॉइन कमिंग फोर, सॉरी, टॉसिंग थ्रोइंग अ डाइस कमिंग फाइव, कमिंग नंबर फाइव, गेटिंग नंबर फाइव इज अ सिंपल इवेंट, गेटिंग एन इवन नंबर, अब इवन नंबर में क्या क्या आ जाएंगे, 2, 4, 6, सो इट इज अ कंपाउंड इवेंट, इज इट ओके? ठीक है, तो सिंपल इवेंट और मिक्स्ड इवेंट कंपाउंड इवेंट का एग्जांपल समझ में आ गया। Complete, okay. अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इवेंट अगर हमने ई ले रखी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अगर हम इसको पी एन ई आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन एन एस,
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जीरो और वन के बीच में लाई करती है, ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो एंड। प्रूव कर सकते हो कैसे? ये सैंपल स्पेस है, ये इवेंट है, सो ई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, ई हमेशा सब सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में एस से कम होंगे या एस के इक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर हम और जीरो से ग्रेटर होंगे, तो अगर हम एनएस से डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो आ गया इधर, और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो गया, और इधर आपका आ गया वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, है ना, इंक्लूडिंग जीरो एंड वन। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज जीरो, देन ई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। Impossible event. For example, throwing a dice, getting number 7 is an impossible event. बात समझ में आ गई क्या? Throwing a dice, getting a number 7 is an impossible event, right? अगर किसी event की probability 1 है, then E is called certain or sure event. Certain or sure event. For example, on throwing a dice, getting a number less than or equal to 6 and more than or equal to 1. On throwing a dice, getting a number less than or equal to 6 and more than or equal to 1. Getting a natural number less than or equal to 6 and more than or equal to 1. Dice throw karenge to yahi aayega. So this event is called certain event or sure event. इसकी probability क्या आएगी? Clear? चलिए कंप्लीटेड, आगे बढ़ते हैं। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, है ना। तो एक डेफिनेशन है ऑड्स इन फेवर की, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, है ना, अपॉन नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल, नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम। समझ गए क्या? ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल, यहां फेवरेबल अपॉन नॉन फेवरेबल, ठीक है। फिर ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, odds against an event, बिल्कुल odds in favor का reciprocal, number of non-favorable outcomes upon number of favorable outcomes. Right?
तो जैसे अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एम बाय एन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज एम बाय एन, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ई क्या होगा? हाँ, डेफिनेशन क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल, और ये प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ये फेवरेबल आउटकम है ऊपर और नीचे टोटल आउटकम है, ऊपर फेवरेबल आउटकम है नीचे टोटल आउटकम, तो नॉन फेवरेबल कितने हो गए, एम माइनस, वेरी गुड योगेश, तो फेवरेबल एम और नॉन फेवरेबल टोटल में से फेवरेबल सब्ट्रैक्ट किया, एन माइनस है, ठीक है, टोटल में से फेवरेबल सब्ट्रैक्ट कर दिए, नॉन फेवरेबल आ गया, ठीक है, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ई, ये इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, किसका, नॉन फेवरेबल अपॉन फेवरेबल, समझ में आया क्या सभी को? क्लियर? है ना, तो हमें बेसिक प्रोबेबिलिटी पर कुछ क्वेश्चंस करना है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हो गई, ऑड्स इन फेवर हो गया, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट हो गया, करें कंटिन्यू, देयर आर थर्टी टू टिकेट्स नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली एज 1, 2, 3, 32 टिकट इज ड्रॉन रैंडमली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन टिकट नंबर्ड ड्रॉन टिकेट नंबर्ड पहला क्वेश्चन अ मल्टीपल ऑफ टू सेकेंड क्वेश्चन अ प्राइम नंबर है ना, कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करें थोड़ा ट्राई करें, है ना, 1 से 32 नंबर तक के टिकट है, एक टिकट निकाला तो 2 का मल्टीपल हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, और वो प्राइम नंबर हो इसकी प्रोबेबिलिटी,
पहले का आंसर बिल्कुल सही, दोनों आंसर सही बताएं। दोनों आंसर सही बताए हैं। योगेश के दोनों आंसर सही हैं, अभिनव के भी दोनों आंसर सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टू के मल्टीपल, टू के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 32, तो 16 होंगे और टोटल नंबर है 32, तो 1/2। और सेकंड प्राइम नंबर काउंट कर लो, प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, कितने हो गए 11/32। सबको समझ में आया? चलिए सेकंड क्वेश्चन, इफ 3 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, इफ 3 Coins are tossed simultaneously, yeah, you correct. If 3 coins are tossed, and I एक साथ ही throw किए हैं, toss किया, then find the probability of getting exactly 2 heads. Then find the probability of getting exactly 2 heads. बताएं 2 heads लाने की probability, exactly 2 heads. बिल्कुल सही, exactly 2 head है ना। सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स होंगे, ये सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, उसमें से हमें इवेंट ई कौन सी हो गई हमारी, एग्जैक्टली 2 head, बिल्कुल सही 3/8। समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हो गया ये सभी का? इफ 2 डाइस आर थ्रोन एट अ टाइम, इफ 2 डाइस are thrown at a time, find the probability that the sum of numbers on the dice is greater than or equal to 10, is greater than or equal to 10, कर सकते हैं? 36 greater than 10, 6 होगा और 5, 6 होगा। आंसर बताओ, आंसर कैलकुलेट करके। 5 होगा, हाँ। 6, 4 होगा, 1/6। अभिनव ने बिल्कुल, अभिनव ने सही बताया है ना, 6 हो जाएंगे, यहाँ 5, 6, 5 है ना। तो 10 की बात करें तो 10 लाने की है 3 तरीके, 10, 11 के 2 ही हैं, 5, 6, 6, 5 और 12 लाने के लिए 6, 6, टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए 6 और टोटल है 36, तो 1/6, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
a natural number x is selected at random from the first 100 natural numbers, from the first 100 natural numbers. A natural number x is selected at random from the first 100 natural numbers. Find the probability for the for the inequality x plus 100 upon x is greater than 50. कर सकते हो, मतलब ये इनइक्वालिटी ट्रू हो, क्वेश्चन क्लियर है? नहीं, देखो क्या मिस्टेक हो रही है. चलो मैं बताता हूँ, देखें ध्यान से. हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आएगा, फॉर्मूला एन ई अपॉन एन एस. एस 100 नेचुरल नंबर में से एक नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है, तो कितने वे से सेलेक्ट करोगे, 100 वे. ठीक है, ये समझ में आया. अब आगे देखें, एक्स एस फेवरेबल आउटकम निकालना है. अगर मैं एक्स की जगह वन लेता हूँ, देखना ध्यान से, वन लिया तो वन प्लस 100 अपॉन वन, 101 हो गया, ग्रेटर देन 50, तो ये 1 आ गया. 2 लेता हूं तो 2 प्लस 100 अपॉन 2, 50, तो 52 हो गया, 2 भी चलेगा. 3 नहीं चल पाएगा, 100 बाय 3 33 और 3 36 हो जाएगा, 36 50 से ग्रेटर नहीं होता. उसके बाद आगे बढ़े, 47 पे आए तो 47, और यहाँ आता 100 अपॉन 47, 100 अपॉन 47 2 पॉइंट समथिंग और 47, 49 पॉइंट समथिंग 50 से ग्रेटर नहीं हो पाएगा. 48 पे आओ, 48 और 100 अपॉन 48 2 पॉइंट समथिंग, 48 और 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 50 हो जाएगा, 49, 50 और 50 से ऊपर तो सारे नंबर पे ग्रेटर देन 50 ही रहेगा. क्या ये बात समझ में आई क्या सबको? तो 51 से लेकर 100 तक कितने नंबर हो गए, 50, 51, 52, 53, 54, 55. बात समझ में आ गई क्या? कितने नंबर हो गए, 55. तो 5 से कैंसिल किया. क्या सबको समझ में आया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? कैसे किया? फेवरेबल आउटकम निकाले, टोटल आउटकम निकाले, दोनों को डिवाइड, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. अब 5 डिजिट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अब 5 डिजिट नंबर is formed
a 5-digit number is formed by the digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. Without repetition, find the probability that the number formed is divisible by 4. Is divisible by 4. समझ में आ गया क्वेश्चन. 5-digit नंबर बनाना है, कितने डिजिट, किन डिजिट से? 1, 2, 3, 4, 5, 5 digits से. और कोई भी नंबर रिपीट नहीं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द जो नंबर बनेगा वो 4 से डिविजिबल. क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या सभी को? टोटल वे की बात करो, ये 5 digit 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 digit से 5 digit नंबर कितने बना सकते हो? 5 digit नंबर के लिए 5 places होते हैं. इस प्लेस को कितने वे से फिल करोगे? 5 वे से. अब जो एक डिजिट इसमें से एक यहाँ फिल कर दिया, नंबर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, उसको नहीं ले सकते, तो इस प्लेस को 4 वे से फिल करो. क्या ये सबको समझ में आया क्या? फैक्टोरियल 5 120, टोटल 5 digit नंबर कितने बनेंगे? 120. इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है. अब जो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे कि वो नंबर, उन नंबर्स के नंबर फाइंड करो जो 4 से डिविजिबल. तो कोई बताए 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 4 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं? किसी को पता है क्या 4 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं? जिनके लास्ट 2 digit 4 से डिविजिबल होते हैं. तो इन डिजिट से लास्ट 2 digit 4 से डिविजिबल बनाओ. एक तो 12 बन जाएगा, फिर 24 बन जाएगा, फिर 32 बन जाएगा, और फिर 52 बन. अब देखो अगर लास्ट के 2 digit 12 हैं, अब आगे के कोई 3 digit कुछ भी हो इनमें से ही, तो ये देखो 1 और 2 तो फिक्स है 1 वे से, और ये बाकी के 3 digit को 3 places पर अरेंज करने के वे से 3 factorial. सेम हर केस में सेम 3 factorial की वैल्यू होती 6. तो 6 into 4 24, कैंसिल कर दो, 24 1 जा 24 20, तो आंसर विल बी 1/5. क्या समझ में आया कि सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी फरवरी अटेम्प्ट में आया था, वही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. अ 7-digit नंबर इज फॉर्म्ड, अ 7-digit number is formed using digits 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. A 7-digit number is formed using digits 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. है ना, total 7 digit ही दे दी उन्हें. 2, 3, 3 है, 2 times 3 है, 3 times 4 है, 2 times 5. The probability that number so formed is divisible by 2. The probability that number so formed is divisible by 2 is. Is divisible by 2H. Options भी दे देता हूं, 6/7, 1/7,
3/7, 4/7 जेई मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, फरवरी अटेम्प्ट का ही है, फरवरी अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है अभी इसी ईयर, आपने भी दिया है, आप किसके सेट में होगा पता नहीं, फरवरी अटेम्प्ट, हाँ कर रहे हैं ट्राई, 7 digit दिए हैं और उन्हीं से 7 digit नंबर ही बनाना है, और बस कंडीशन क्या है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल हो। तो देखो पहले तो टोटल नंबर बना सकते हो आप इन 7 digit से, 7 digit नंबर सबको लेना है। मालूम है कैसे बनाते हैं? 7 factorial, हाँ जो रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, 2 factorial, 3 factorial, 5 factorial, 5 भी दो बार रिपीट हो रहा है, ये समझ में आया कि सबको, 7 factorial upon 2 factorial into 3 factorial into 2 factorial, ये तो टोटल नंबर्स हो। अब फेवरेबल नंबर, फेवरेबल आउटकम्स निकालना है हमें, वो नंबर बनाना है जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल होने के लिए 6, 7 यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 4 ही होना चाहिए, तो 1, 4 इन तीनों में से 1, 4 यहाँ पर अरेंज कर दिया, फिक्स कर दिया, अरेंज नहीं किया, फिक्स कर दिया। अब बचे कितने नंबर, 3, 3, 4, 4, दो ही 4 बचे और 2 ही 5 बचे, इनको ही अरेंज करना है इन नंबर्स, तो 6 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, तो बस कैलकुलेट कर लो, ये 2 factorial, ये 2 factorial से ये 2 factorial, ये 2 factorial कैंसिल, तो 6 factorial by 2 factorial into 3 factorial by 7 factorial, हाँ कैलकुलेट करो, तो ये 7 into 6 factorial, तो ऊपर 7 बचा, नीचे 7 बचा, देखो नीचे 7 बचेगा, यस नीचे 7 और ऊपर 3, आंसर विल बी 3/7, आंसर विल बी 3/7, क्या समझ में आया कि सबको, तो कितना आसान क्वेश्चन आया था अभी फरवरी अटेम्प्ट के एक सेट, राइट हो गया, समझ में आ गया सभी को, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन पे लिख रहे हैं, द कोफिशिएंट्स ए बी एंड सी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the coefficients a b and c of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are obtained by throwing a dice 3 times the probability that the equation, the probability that the equation, the probability that the equation, that this equation, this equation has equal roots. Its options are 1/72, 5/216, option 3, 1/36, option 4, 1/54. कर सकते हैं? करें. The coefficients a, b, and c are the of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are obtained by throwing a dice 3 times. हाँ जब 3 dice throw करते हैं तो total outcomes कितने आते हैं? 3 dice throw करेंगे तो total outcome कितने आएंगे? two one six आते हैं. ये 5-1-2 कैसे बताया भाई? योगेश 5-1-2 थोड़ी आते हैं, 2-1-6 आते हैं, 6 into 6 into 6, 2-1-6,
समझ गए क्या? ठीक है, अब द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? D इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो टोटल आउटकम तो आपको पता है 216। अब फेवरेबल आउटकम आपको निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट रूट्स रियल, रूट्स आर रियल, क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ग्रेटर इक्वल टू जीरो, डी मस्ट बी जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी। अब रूट्स इक्वल होने के लिए अगर मैं बी को देखो वन ले लूं तो ए फोर ए सी की वैल्यू, ए और सी की मिनिमम वैल्यू तो वन वन लोगे तो फोर आएगा, तो बी को वन तो ले ही नहीं सकते है ना, तो बी को आप टू ले लो, बी को टू लिया, बी को टू लिया तो ए और सी को वन वन ले हुए और बी टू। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक ही केस हो गया, समझ में आया क्या? एक केस, और तो कोई केस हो नहीं सकता। अब ए सी वन हो गया, अब यहां बी, ए और सी वन और बी, बी का स्क्वायर फोर। अब अगर मैं बी को थ्री ले लू तो थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा? नाइन। ए सी और भी किसी तरीके से है ना, बी को मैंने टू लिया, हाँ बी को जब टू लिया तो फोर एक ये तरीके से आया है ना, ए सी को ए सी वन आना चाहिए तो, और फोर पहले से ही है तो वन वन हो गया। अब अगर ए सी को मैं फोर ले लू, ए सी यहां पर फोर आए, परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए, तो अब ए सी पहला केस ए सी वन लाने के लिए हमने बी टू लिया था, अब ए सी को फोर ले लें, ठीक है ना, एसी को फोर लेंगे तो फोर फोर 16, ठीक है। अब एसी फोर कब कब आ सकता है? बी तो फिक्स ले लिया मैंने फोर, बी तो फिक्स कर दिया फोर, तभी तो फोर का स्क्वायर 16 होगा, तो बी फोर है। अब इधर वन फोर भी हो सकता है, फोर वन भी हो सकता है, वन फोर भी हो सकता है और फोर वन भी हो सकता है, बी तो फिक्स है फोर, राइट, और टू टू भी हो सकता है फोर लाने के लिए एसी। ये बात समझ में आई कि तीन केस यहाँ पर आए, एक केस दो तीन चार केस हो गए, ठीक है। अब अगर एसी को नाइन ले लें, नाइन ले लेंगे तो बी को तो थ्री लेना पड़ेगा, बी को थ्री, अब इधर क्या आ सकता है? अगर एसी नाइन ले लिया, नाइन तो फोर नाइन जो 36, तो ये बी सिक्स हो गया, बी कितना हो गया 6, 3 नहीं हो सकता, बी 6 हो गया। अब इधर 6 लाने, इधर 9 लाने के लिए एसी क्या हो गया? 9, 9 लाने के लिए 3 3 ले सकते, और तो कुछ आ ही नहीं सकता, क्लियर, समझ में आया क्या? ये फिफ्थ केस आ गया, सभी को समझ में आ रहा है क्या? एसी को एक बार 1 लिया, एसी को एक बार 4 लिया, एसी को एक बार 9 लिया, तो बी का, बी को 6 से और बड़ा नंबर तो ले ही नहीं सकते, तो सारे केस हो गए भाई। बी को मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो? 6, डाइस पे 6 से ज्यादा थोड़ी आ सकते। समझ में आया कि सभी को? योगेश, मयंक, रुचिर, पीयूष और अभिनव, हाँ, तो कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 केस हो गए, तो 5/216। ये भी फेब्रुअरी अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं कुछ। कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सिक्स बॉयज एंड सिक्स गर्ल्स. Sit in a row at random. Sit in a row at random. Find the probability that six girls sit together. Find the probability that six girls sit together. कर सकते हो? कर रहे हैं सभी, आंसर बताएं. है तो सिक्स गर्ल्स और सिक्स बॉयज को एक रो में अरेंज करने के टोटल वे कितने होंगे? 12 फैक्टोरियल होंगे भाई, 12 लोगों को एक रो में अरेंज करने के वे 12 फैक्टोरियल. अब उसमें से सिक्स गर्ल्स एक साथ हैं तो मान दो इनको B1, B2, B3, B4, B5, B6. तो कितने लोग हो गए? इनको मान दिया 7 हो गए. इसको एक ही काउंट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 फैक्टोरियल वे से अरेंज किया. लेकिन ये सिक्स गर्ल्स आपस में भी अरेंज होंगी 6 फैक्टोरियल वे. समझ में आया क्या सभी को? 12, 11, 10, 9, 8. 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 6, 5, 4, 3, 2. ठीक है, 1 लिखने की जरूरत. 6, 2s are 12. 3, 3s are 9. 4, 2s are 8. 5, 2s are 10. 1 upon 11 into 6, 2s are 12. 12, 1s are 12. Carry 1. समझ में आया कि सभी को कैसे किया? आंसर इज 1 upon 132. राइट, समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डिटरमिनेंट of second order, a determinant of second order is made with the elements 0 or 1 only. With the elements 0 or 1 only. है ना, 2x2 order determinant, या के element या तो 0 है या 1. Find the probability. Find the probability that the value of the determinant is non-negative. Is non-negative. Current attempt, try karna. A determinant of second order is made with the elements 0 or 1. है ना, second order element में 4 element होंगे, वो चारों element या तो 0 है या 1. तो
इन टू एलिमेंट्स जीरो और वन से जो 16 डिटर्मिनेंट बने तो उनकी वैल्यू नॉन नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते करना है सभी। हाँ, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि टोटल कितने डिटरमिनेंट बनेंगे 2x2 ऑर्डर। ये एलिमेंट या तो जीरो हो सकता है या वन, तो इस एलिमेंट को कितने वे से फिल कर सकते हो, या तो जीरो फिल करोगे या वन। हाउ मेनी वे वी कैन फिल इट दिस प्लेस, वी कैन फिल दिस प्लेस, इस प्लेस को दो वे से फिल कर सकते हो आप, या तो जीरो फिल करोगे, इस प्लेस को भी टू वे से, इस प्लेस को भी टू वे से, इस प्लेस को भी टू वे, और चारों प्लेस एक साथ भरोगे फिल करोगे तो डिटरमिनेंट बनेगा। तो मतलब ऐसे कितने डिटरमिनेंट बन सकते हैं, 16। क्या ये बात सबको समझ में आई, 16 डिटरमिनेंट्स बनेंगे टोटल डिटरमिनेंट जीरो और वन से, 2x2 ऑर्डर के 16 डिटरमिनेंट बनेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। अब उनमें से कौन कौन से नॉन नेगेटिव होंगे, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो चलेगा और पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी चलेगा वैल्यू। तो देखते हैं हम 16 बने हैं उनमें से, जो 16 बने उसमें एक तो ये बना जीरो 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 जीरो, राइट, तो इसकी वैल्यू तो जीरो है तो ये चलेगा, नॉन नेगेटिव है, वैल्यू जीरो है, नॉन नेगेटिव। एक ये भी है, इसकी वैल्यू भी जीरो है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये दोनों हमको काउंट करना है, ऐसे दो ये बनाए। अब अगर तीन वन ले लूं या तीन जीरो और एक वन ले लूं, ऐसे कितने, तीन जीरो को अरेंज कर दें अपन, 4 डिटरमिनेंट बनेंगे, यही 4 बनेंगे। देखो सबकी वैल्यू जीरो आने वाली है, तो ये चारों भी काउंट होंगे, देखो सबकी वैल्यू जीरो, तो ये चारों भी काउंट होंगे हमारे। हाँ, अब तीन 3 1 और एक जीरो ले लें, 3 1 और एक जीरो यही बनेंगे। हाँ, तो देखो ये माइनस वन, ये अपन काउंट नहीं कर सकते, नेगेटिव आ गई, नॉन नेगेटिव चाहिए, ये वन ये लेंगे हम, ये माइनस वन ये भी नहीं ले पाएंगे, ये वन ये भी लेंगे, ये दो डिटरमिनेंट नहीं ले पाएंगे। और अभी तक कितने बना दिए अपन ने, 10 बना दिए, टोटल 16 बनना है, उनमें से 10 बना। अब 2 0 और 2 1 वाले, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 1 1 0 0, 0 0 1 1, ये 6 ये बन गए। इसमें से ये जीरो चलेगा, ये जीरो चलेगा, ये भी जीरो चलाएंगे, इसको भी ये जीरो चलेगा, 1 ये भी चलेगा, ये माइनस 1 ये नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई, कौन से तीन नहीं ले सकते हम, फेवरेबल आउटकम्स में से कौन से तीन नहीं ले सकते,
which three we cannot taken in our favorable outcome. ये एक, क्योंकि इनमें वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव. हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो टोटल नॉन नेगेटिव वैल्यू वाली डिटर्मिनेंट 13 है, 13/16. सबको समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, कई बार कर चुके हैं अपन, कर चुके होंगे आप. इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इज सिलेक्टेड एट रैंडम, देन find the probability that if a leap year is selected at random, then find the probability that it contains 53 Mondays. It contains 53 Mondays. कोई सा भी डे हो सकता है, मंडे, संडे, ट्यूजडे, कुछ भी लिख के दे सकते हैं. If a leap year is selected at random, then find the probability that it contains 53 Mondays. कर सकते हैं? बता रहा है कोई आंसर? योगेश, मयंक, रुचिर, पीयूष, अभिनव, कोई भी बताएं. मंडे की स्पेलिंग ठीक नहीं है, चलो ठीक कर देते हैं. कोई आंसर नहीं दे रहा है? कर रहे हैं अटेम्प्ट? हाँ करो और आंसर बताओ. वन बाय फाइव कैसे आएगा? बिल्कुल गलत जवाब. देखो, वन बाय फाइव तो कैसे भी नहीं आ सकता. लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 366 डेज होते हैं वो लीप ईयर होता है ना, जिसमें फरवरी 29th डे की हो जाती है. अब अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो 7 5 35, 1 और 7 2 14, तो 52 संडे तो हर एक लीप ईयर में होते हैं, और नॉन लीप ईयर में भी 52 संडे या कोई सा भी दिन
एनी डे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे में कोई सा भी डे, लीप ईयर में भी 52 बार आता है तो 52 तो हो गए होंगे, संडे भी होंगे 52 मंडे भी, और नॉन लीप ईयर में भी 52 संडे तो होंगे, लेकिन यह 53 की बात कर रहे हैं कि 53 मंडे, तो 52 मंडे तो ये 52 वीक्स में आ गए, 52 मंडेज तो 52 वीक्स में आ गए, अब टू डेज टू रिमाइंडर बच रहा है, ये दो दिन क्या हो सकते हैं, मंडे भी हो सकते हैं ट्यूजडे भी हो सकते हैं, ट्यूजडे वेनेसडे भी हो सकते हैं, वेनेसडे थर्सडे भी हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकते हैं, ये वाले दो दिन, फ्राइडे सैटरडे भी पॉसिबिलिटी है, सैटरडे संडे भी पॉसिबिलिटी है, और संडे मंडे भी पॉसिबिलिटी है, राइट। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, ये दो दिन क्या क्या हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल पॉसिबिलिटी 7। अब हमारे 52 मंडे की जगह हमें कितने मंडे करना है, 53, तो फेवरेबल आउटकम्स मंडे ट्यूसडे हो वो दो दिन, तो अगर ये वाला केस हुआ तो भी 53 मंडे हो जाएंगे, और ये संडे मंडे हो ये वाला केस हुआ तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2, फेवरेबल आउटकम 2, और टोटल आउटकम 7, तो फाइनल आंसर 2/7। राइट, समझ में आ गया सभी को, फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 7, 2/7, क्लियर है सभी को। हाँ, तो देखें यहाँ पर, ये अपना फर्स्ट लेक्चर था आज प्रोबेबिलिटी का, तो मैं असाइनमेंट दे दूंगा आप लोगों को।